तो यार गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। तो वही मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ की चेन्स। और भाई इसकी पावर चेक करते हैं आज। ओ भाई आप इसे कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई अभी आपको साउंड चेक कराता हूँ। फायर शॉट चेक कर रहे हो भाई? ओ भाई मक्खियाँ निकली हैं केक में से। निकली है केक में से। पूरा नहीं बिक पाया भाई। सिटेंडो आगे नहीं निकल लेने। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइज ट्रिप से आने के बाद कहीं पे भी मैं राइड पे नहीं गया था क्योंकि यार वापस आने के बाद हुई तबीयत खराब क्योंकि यार लौटते टाइम हम लोग बारिश में भीगे थे सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। तो यार जब इतना बारिश में भीगे पता तो मैं पहले चल चुका था कि तबीयत खराब होने वाली है। घर पे आने के बाद बुरी तरह भाई फीवर आ गया और सर्दी हो गई। राइड वाइड पे कहीं जाने का मन हुआ नहीं और एडिटिंग भी चल रही थी अपनी। फाइनली आज मैं राइड पे जा रहा हूँ और भाई आज भी राइड पे जाने का कोई भी प्लान नहीं था। निखिल का सडनली कॉल आता आधा घंटे पहले। निखिल का आज बर्थडे तो केक कट करने के लिए निखिल ने फोन करा था। तो निखिल हमें मिलने वाले रिलायंस पेट्रोलूम के पास। तो अभी शिवम आ रहा है और शिवम जैसे ही आता उसके बाद हम लोग फटाफट निकलते हैं। इसी बहाने अपनी एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी। तो यार निकलने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग में आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ की चेन्स। तो भाई सबके लिए नहीं है क्योंकि यार सबको देना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये की चेन्स है क्योंकि यार लास्ट टाइम जब मैं ऋषिकेश गया था ना तो मैं भाई अपनी बाइक के लिए की चेन्स लेके आया था। तो जब भी मुझे कोई मिलता था कहता था कि अब कभी भी बाहर जाओ तो मेरे लिए की चेन्स ले आना। तो यार सबके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं कुछ लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप इसे कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो भाई हमारे इस गिवअवे में। बाकी यार गिवअवे के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं कराया तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। गिवअवे के रिजल्ट्स इंस्टाग्राम पे अनाउंस होंगे और जब भी अनाउंस होंगे तब मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा और इंस्टाग्राम पे तो आपको फिर मिल ही जाएंगे। हेलो, हैप्पी बर्थडे अगेन। मक्खियाँ निकली हैं केक में से। निकली है केक में से भाई। कब का केक है आप ये बता दो। कितनी देर पहले खाई है केक? तो भाई निखिल भाई बहुत देर से मक्खी मार रहे हैं केक पे ना आए इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या सॉन्ग है? हैप्पी बर्थडे भाई। अब अपनी बाइक भी बोलेगी हैप्पी बर्थडे निखिल को। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो भाई थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिल रही है अभी हमें भाई। डोमिनार के बाद अगर अपाचे 160 पे आ जाओ ना तो बहुत लाइट लाइट फील होता है। इसका हैंडल भाई बहुत लाइट है भाई। साउंड चेक कर रहे हो अपनी डोमी की यहाँ से निकल जाएगी भाई। ऑल डन बर्नआउट। तो भाई अभी मारने जा रहे हैं तीनों लौंडे बर्नआउट एक साथ, दो डोमी और एक अपाचे 160। भाई शिवम की तो बहुत गंदी तरह से अंदर गई है भाई। लास्ट टाइम पानी में आयुष को डाला गया था, इस बार प्लानिंग चल रही है निखिल को डालने की। प्लानिंग क्या भाई? प्लानिंग हो चुकी है। तो भाई निखिल भाई को मिलने वाला बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट। हेलो गाइस मुझे बचा दो, अंदर डाल दो पानी में गाइस। पूरा अंदर तो देखो आयुष को तो हल्का सा डाला था, निखिल को पूरा डालो भाई। अब तो पूरा डाल दो। निखिल भाई को मिल चुका बर्थडे गिफ्ट। नाइस बर्थडे गिफ्ट टू मी। भाई राघव को भी निखिल ने अंदर खींच लिया है और अंदर चल रही है भाई लड़ाई। पूरा पूरा भिगाओ एक दूसरे को। ओ बेहतरीन। राघव नहीं भीग पाया पूरा भाई। राघव पूरा नहीं भीग पाया।
मिशन आयुष। तो भाई फाइनली आयुष को पकड़ लिया है पानी में डालने के लिए। हेलो फेंक दो, पूरा नहला देना भाई। ओ भाई गाइस, नो गाइस, नो 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 भाई, देखो क्या हालत हो चुकी है सबकी। आर्यन, शिवम और मैं साफ हैं, बाकी के सब। तो भाई अभी बाइक निकालते हैं। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। भाई ग्लव्स रह गए मेरे पता नहीं कहाँ पे। भाई अभी आपको साउंड चेक कराता हूँ। फायर शॉट चेक कर रहे हो भाई। एंड वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। तो गाइस परसों के बाद आज मैं निकला हुआ हूँ राइड पे, क्योंकि आज भाई निखिल का फोन आया था। निखिल भाई हो गया था आज अपने वर्क से जल्दी फ्री, तो निखिल ने कॉल किया था कि आज भाई राइड पे चलेंगे एटा तक। तो हमने कहा चलो भाई चल लेंगे। बाकी भाई कल मौसम बहुत ज़्यादा शानदार था, कल मैं राइड पे आया भी था भाई, लेकिन कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था। तो परसों वाले ब्लॉग को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं आज राइड पे एटा। मैं हूँ, निखिल है और शिवम है, मतलब दो डोमिनार और एक अपाचे है। तो अभी फ्यूल अप भी कराना है भाई, फ्यूल का एक कांटा बचा हुआ है। ऋषिकेश जाने से पहले फ्यूल अप कराया था। पाँच सौ दस भाई, दूसरी डोमिनार तो दिख ही नहीं रही कितनी पीछे रह गई है। अपाचे वाले भैया तो देखो आगे आ चुके हैं। अब निकलते हो इन दोनों से आगे। इतना ट्राई कर रहा है शिवम आगे ले जाने की, लेकिन भाई आगे नहीं जा पाएगी इससे। पता नहीं यार अपनी डोमी में क्या दिक्कत आ रही है। 157 158 पे आरपीएम लॉक हो रहा है इसका, उससे आगे बाइक जा ही नहीं रही है। तो भाई एटा से हमें एक RR 310 और ज्वाइन करेगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे भाई थोड़ा सा हाईवे पर राइड करने के लिए। तो भाई एटा तो पहुंच चुके हैं। तो भाई अभी हम लोग वेट करते हैं, पूछते हैं जो भाई हमें मिलने वाला था वो कहाँ पे है। तो भाई आरआर जो आने वाली थी वो आ चुकी है। तो भाई अभी आपको रुक के दिखाते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन सी बाइक्स आई हुई है। एक तो अपनी डोमी, एक और शिवम की डोमिनार, निखिल भाई और अपाचे 160, और इधर है निखिल भाई का प्यार अपाचे RR 310। देखो इसकी भी ट्विन्स है, वो खड़ी हुई है अपाचे 160। खतरनाक हो रही है। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ RR 310 पे, और भाई इसकी पावर चेक करते हैं आज। इनिशियल इसका इतना तगड़ा है ना, क्या ही बताऊं। नॉर्मली जब बाइक खड़ी होती है और जब हम उठाते हैं ना, तो भाई व्हील ही लग जाती है। इसका राइडिंग पोस्चर मुझे बहुत सही लगा। R15 का बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, थोड़े टाइम बाद ही ना हाथों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन इसमें वैसी दिक्कत नहीं है, इसमें दर्द नहीं होगा आपको। बाकी देखो आगे चल रही है अपनी पूरी गैंग।